नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। लिखते हैं साथ में, महाराज जी इस नक्शे में जो वास्तु के अनुसार विशेषण कर दीजिए, घर में कौन कौन से भाग वास्तु के अनुसार होने चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। मैसेज से बहुत ज़्यादा तो क्लियर नहीं करा उन्होंने कि किस हिसाब से होना चाहिए, पर जो इन्होंने प्लान भेजा है उस पर अपन वास्तु विशेषण करके देखते हैं कि ये प्लान कैसा है। पश्चिमुखी प्लाट है, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिया है। द्वार इन्होंने जो एक बड़ा मेन जो कारवार रखने के लिए दिया है वो पश्चिम वायव्य में दिया, बिल्कुल सही जगह दिया है। और विकेट गेट जो छोटा गेट आने जाने के लिए होता है वो भी इन्होंने ही दिया, दोनों गेट प्रॉपर जगह दिए, ये तो बिल्कुल सही किया है। और अब ये क्लियर नहीं है कि इनका रैंप बाहर यहाँ से बनेगा कि यहाँ भी इतनी जगह नीचे रखी है और यहाँ पर ऊंचाई दी है, वो तो क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो स्टेप शो नहीं करी है यहाँ पर कहीं पर। यदि इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि बाय दी वे ये इतना हिस्सा ऊंचा है, यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं एकाध यहाँ स्टेप दिए, उस केस में फिर ये पश्चिम वायव्य और उत्तर वायव्य ये दो हिस्से नीचे हो जाए, ये हिस्सा नीचा हो जाएगा, ये एक दोष आ जाएगा बहुत बड़ा, जो पश्चिम और दक्षिण मुखी मकानों में प्लाट जो होते हैं वह दिक्कत आती है। इसके कारण जो आर्थिक कष्टता कारण शत्रुता होती है, मति भ्रम होती है, कोर्ट कचहरी हो जाती, कई बार स्त्रियां सुख शांति से वंचित होकर घर से बाहर रहना पसंद करती हैं इसके कारण, तो इनको चाहिए इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर रखें, रैंप बाहर बनाएं, कोई कवर्ड दिख रहा है पूरा हिस्सा। इसके अलावा ये इन्हें जीना यहाँ दिया, ठीक है, ये एंट्री गलत है, ये हो गई इस कमरे की उत्तर वायव्य की, ये यहाँ आनी चाहिए, लॉन दिया है और यहाँ आने के साथ एक बात और, ये दरवाज़ा सही हो गया, ये हो गया ईशान, पूर्व ईशान का पूर्व दिशा है, पर इधर नृत्य कोण पश्चिम नृत्य बढ़ा है टॉयलेट के कारण, ये अच्छा नहीं है। ईशान कोण का भी घटना नहीं चाहिए, नृत्य कोण का बढ़ना नहीं चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण वास्तु चाहिए, कई तरह की समस्याएँ पुरुषों को होती हैं इसके कारण। प्लेसमेंट ऑफ बेड ठीक है इसका, इधर आइए, इन्होंने अंदर घर में जाने का रास्ता से यहीं शो कर रखा है, यहाँ क्लियर नहीं हो सकता है, यहाँ से एक जाने का रास्ता रखा है यहाँ से, ठीक है, प्रॉपर प्लान नहीं है देखा जाए तो। ये लॉबी है इनकी, तो यहीं से होगा, अच्छा ड्राइंग रूम है ये, सॉरी बेडरूम नहीं ड्राइंग रूम है, ठीक है, तो पर रास्ते यहाँ आना चाहिए, ये सही है, ये सही है, ये बेडरूम थोड़ा गलत है, इसमें दक्षिण नृत्य का द्वार हो रहा है इस बेडरूम के लिए, जो इस कमरे में सोने वाली महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, इनका सिर जो इन्होंने पलंग रखा है तो सिर इधर रहेगा, पैर इधर रहेंगे, यानी कि उत्तर की ओर सिर रख के सोएंगे, उससे दो चार साल है ना, दो चार महीने दो चार साल लगातार आदमी इस तरीके से सोए, उत्तर दिशा में सिर रख के सोए और तो ऐसे लोग किसी क्रॉनिक डिसीज के हो जाती है, उनको श्वास संबंधी कष्ट आता है, कोई क्रॉनिक डिसीज जाती है, तो ये गलत है, कभी उत्तर में सिर रख के सोने का नहीं रखना चाहिए, दो चार दस दिन दो चार महीने की बात नहीं है, कुछ साल दो चार पाँच साल ध्यान रखें। ये ठीक है ना, ड्रेस यहाँ रखा तो ये यहाँ रखना चाहिए था, इनको ड्रेस इधर करके टॉयलेट इधर करते हैं, इधर टॉयलेट करते हो तो ड्रेस ये दरवाज़ा इधर कर लेते थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, इधर आ जाइए आप, ये बालकनी है, ये इनका प्लाट का ईशान बढ़ रहा है इधर पर, इधर अग्नि बढ़ इधर जो है पूर्व अग्नि बढ़ रहा है, इधर आइए, ये दरवाज़ा गलत है, फिर ये दक्षिण नृत्य का द्वार हो गया इस गेस्ट रूम के लिए, ये गलत है, और ये पैसेज है ठीक है, किचन इनका आ गया दक्षिण में किचन आ गया। अब दक्षिण में किचन रहेगा तो घर में मानसिक पूरे परिवार में जो लोग रहेंगे उस परिवार में मानसिक अशांति बहुत रहेगी, घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आएगा और उसे स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहेंगे, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। ये द्वार उत्तर वायव्य का हो गया, अवॉइड करना चाहते हो, ये बदनामी लाना विवाद वाला पैदा करता है पर बदनामी भी लाता कई बार। ये पलंग ठीक रखा हुआ है, दक्षिण में सिर है बहुत सही है, ये डाइनिंग एरिया रख सकते हैं पूजा। अब सबसे थोड़ा दोष इसमें ये है कि वो स्टोर बेडरूम में दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, सबसे थोड़ा दोष ये है कि इसका पूर्व अग्नि बढ़ रहा है, यानी पूर्व साथ मिलकर पूर्व अग्नि बढ़ रहा है, इधर उत्तर के साथ मिलकर उत्तर ईशान बढ़ रहा है, ये शुभ है पर ये बढ़ाव बहुत अशुभ है, इसके कारण ये इस तरीके से जब इससे बड़ा होता है और ये स्थिति बनती है तो संतान प्राप्ति करने में दिक्कत आती है, समस्याएं पैदा होती हैं, विवाद होते हैं,
परिवार में तालमेल की कमी होती है, मनभेद ना हो पर मतभेद तो रहते ही रहते परिवार के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, इन्हें चाहिए प्लाट को इतना छोटा कर, इतनी जगह को भूल जाए इतना प्लाट करके, और फिर से इसकी प्लानिंग करें और ये बाकी सब दोष दूर करें तो ही ठीक रहेगा। अदरवाइज यहाँ ये मकान बना कर रहने आएंगे तो इनका जीवन किसी कीमत पर सुखी नहीं रह सकता, ये बहुत परेशानी में रहेंगे, यहाँ पर हर तरह की समस्याएं इनको आती रहेंगी। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। नमस्कार।